शिवराज यहाँ रहेगा, बहुत अहम भूमिका, और उसी पंडित जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं और बॉम्बे में है और बहुत ही बेहतरीन काम किया है आपने, डिंपल विवेक शर्मा, मैं अगर किसी का नाम भूल जाऊं तो वो आ सकते हैं, ऐसा नहीं माने कि उनको बुरा लगता है। तो हमारे सारे भाई पागल है, इस तरह के जो रूहानी गाने होते हैं वो बरसों तक याद किए जाते हैं, और ऐसे गानों को थोड़ा सा लोगों के दिमाग दिल तक पहुँचने के लिए, लेकिन जब दिल तक उतरते हैं तो वो दिलों में रह जाते हैं। मैं तो बेशक खुश हूँ, लेकिन हमारे खुश होने का तब मजा है जब लोगों को मजा है, तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ आपको कैसा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी रूह से गाया। और एक बात और है, क्योंकि इस तरह के जो गाने होते हैं वो एक अलग रवानगी में गाने पड़ते हैं, एक अलग मूड में गाने पड़ते हैं, जब तक आप उस चीज को फील नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज नहीं उतर के आती। और थैंक यू सो मच, सारी दुआएं करें, बहुत सारे बेस्ट विशेस इस टीम के साथ के लिए। और इस ये कहना चाहूँगा कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये फिल्म आप देखिए, इसका म्यूजिक सुने और इस फिल्म की एक कामयाब फिल्म बनाए। थैंक यू सो मच। पुराने को छोड़ेंगे नहीं, इसी में से शाहरुख है, इसी में से सलमान है, डरना नहीं चाहिए, कंटेंट बनाओ और रिलीज करो, ढंग से करो, लोग डर जाते हैं, पहले प्रोड्यूसर डर जाता है, नयो को लेकर फिल्म बनाओ, कोई दूसरा सलाह दे देता है, नयो को लेकर फिल्म बनाओ, आपकी फिल्म चलेगी बिकेगी नहीं, ये नए में से ही कोई ना कोई आगे बढ़ेगा, निकलेगा, मैं भी हो सकता हूँ ऐसे डायरेक्टर, कुछ लग जाए और कोशिश करना है, दोस्तों दुआ करना, आर्टिस्ट या जितने भी आर्टिस्ट हैं, इसमें से कुछ राजस्थान के आर्टिस्ट हैं जो झेल सकते थे वहाँ की गर्मी को, लेकिन यहाँ के तो और यहाँ से पूरा अलग चेंज है। अभी जावेद जी रूफी का गेटअप पर पहचान नहीं पाए कि ये रूफी नहीं है। हेलो हेलो हेलो, ऐसा लगा मुझे, ऐसा लगा कि ये कोई अलग कैरेक्टर है और ये अलग कुछ कैरेक्टर है, लेकिन जब मैंने गाना देखा, वीडियो देखा, तो मेरे जटिल हो गया। ये शूट हमने राजस्थान में किया और जून के महीने में किया, लिटरली जो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, और हर दिन अपने प्रोडक्शन का कोई मेंबर जो है बीमार हो जाता था या तो डिहाइड्रेट हो जाता था, कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन मैंने अपने आप को समझा जो हमारे मेन लड़के हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि अगर हम हमारी विकेट नहीं जाते तो शायद ये शेड्यूल जो है 30 से 40 डेज का होता, तो ऊपर वाले ने जो है हिम्मत दी उस लिहाज से, और एक पैशन भी था। अच्छा, दिन के 2 या 3 बजे हमारे फाइट सीन स्टार्ट होते हैं, और फाइट सीन्स में ऑलरेडी और एनर्जी चाहिए होती थी, ऊपर से 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हो जाता था, पता नहीं शायद ऊपर वाले की कोई मेहनत थी और मौला का कदम हुआ, तो बहुत ही टफ शूट था, बहुत ही लाइफ का सबसे टफ, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर माई डायरेक्टर, इनकी इनको देख के तो मतलब मैं डर जाता था, ऐसी हालत होती थी इनकी या और प्रोडक्शन वालों की, तो सर मैं ऊपर वाले का भी धन्यवाद देता हूँ। मैं तो हमारे इस फिल्म के सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है मेरा एडियो भी, मैं हमारे बीच में हैं मिस्टर गोगोई, वो आए, जो भी काम हो वो ऐसे तो हमारे असिस्टेंट हैं, लेकिन असिस्टेंट से भी ऊपर बढ़ के हैं हमारे रोहित टाडा जी, वो ऑलरेडी आ चुके हैं,
और हमारे सरदार पल्ली जी जिनको अभी कोई नहीं पहचान रहा, मैडम मनीषा जी स्टेज पर पहुंचे, और हमारे बीच में आप लोगों को बताऊं यहां पे राजस्थानी नहीं सभी जगह से उनकी कविताएं सुन के लोग बहुत मजे लेते हैं, और बहुत ही नामी कवि हैं हमारे बीच आज मौजूद हैं, और इस फिल्म में उन्होंने एक मुख्य भूमिका कहो या एक छोटा कहो लेकिन बहुत ही बेहतरीन काम किया है, मैं बुलाना चाहूंगा बंजारा जी को। और हमारे इस टीम को पूरा संभालने वाले हमारे प्रोडक्शन मैनेजर करण कंबोज, एक बार आ जाइए भाई आप लोग भी मेरे स्टार कास्ट हो, सब लोगों को देखने दो कौन कौन से हैं चेहरे, और कोई बचना हो तो। हाँ हमारे इस फिल्म के गानों के जो कोरियोग्राफर हैं विजय और अर्जुन जी, प्लीज अर्जुन जी बढ़ाना है फिल्म को, और मैं सभी लोगों को इनको जो तपती गर्मी में जो राजस्थान में ऐसे ही नहीं जाएंगे कोई भी इंग्लैंड से आए ऐसा लगेगा ऑस्ट्रेलिया के होकर आए, जिस समय आपने काम किया है इन लोगों ने बहुत मेहनत की है बहुत, और मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देता हूँ हमारे भवानी जी को, भवानी शंकर योगी जी के जो कर्म है उसकी वजह से आज ये फिल्म यहाँ तक पहुंची है, ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और काफी मंदिरों में इनमें ये दान दक्षिणा भी देते हैं, इनसे भी कोई भी आके कह देगा ना मुझे फिल्म करनी है यस कर देंगे तुरंत यस कर देंगे, जितने भी लोग हैं ये सुन लें है ना काफी अच्छे हैं, किस्मत है। और मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोड्यूसर हर किसी के पास में हो, ये इतने अच्छे हैं कि एक भी पूरे छह महीने में दो बार तीन बार मुंबई आई, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, अब टन जी से बोलूंगा वो बोले, अब हम लोग म्यूजिक लॉन्च करते हैं सीधा, बोला कर रहे हम 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 बोला कर रहे हम। I got
करके आप लोग लोग कैमरा।